किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं खेत में आ गया हूँ, ये कॉलोनी कटरी है, इधर हमारा चक है, देखो बिल्कुल सामने ही है। ये हमारा 38 बीज खड़ा है, देख लो आप, कोई भी कमी नहीं है, ना कोई रोग है, स्वस्थ खड़ा है बिल्कुल। देखो खाद पानी तो सभी को देना पड़ता है, कोई किसान भाई सोचता हो बिना लागत के हमारी फसल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। गन्ने की मोटाई भी अच्छी है, अभी हमारे यहाँ 38 बीज चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि हमने 35 ही बोया आपके, ये 35, ये भी इसकी टक्कर पे ही है, लेकिन 38 ज़्यादा तकड़ा है इससे। कुछ मेडे तिरछे हो गए, इसकी मेड लगवाऊंगे जो, ये देखो आप, ये 35 बीज है हमारा, घमासान हो रहा है, 22 अप्रैल का बोया हुआ भाइयों। ये अंकित भाई का टोटल 38 है, देखो कितना अच्छा खड़ा, कोई भी रोग नहीं है, हमारे जंगल में तो रोग है नहीं बिल्कुल भी, साफ बात है। देखो रोकथाम तो करनी पड़ेगी, ये तो है नहीं, कोई छोटा बच्चा हो गया उसे बिना तो घुंटी पे आए वो स्वस्थ रहेगा, उसे दवाई दारू तो करनी पड़ेगी। दोनों तरफ हमारा ही गन्ना है, 38 ही है, ये 60 इंच का बोगा बहुत अच्छा फूट रहा आपका, 60 इंच के में 3 वर्षीय बिड्डी आप कम से ख़त्म कर देंगे। ये 42 इंच का तजुर्बा है हमारा, इसमें पोगा बहुत घमासान है, 38 अच्छा खड़ा है अभी। इनका अंकित भाई की बिड्डी है, अच्छी खड़ी है अभी, बस गड़बड़ क्या है अभी ये समझ नहीं पाए इन्होंने, वो 28 इंच है वो रखे 23 इंच पे, हम 42 इंच पा गए, इन्हें अभी ये डर लगता है कि पैदावार घट जाए, लेकिन घटती नहीं है बिल्कुल भी, अगर एक बार डर सा निकाल लेंगे तो हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये अंकित की छोल छुल रही है, अंकित का ट्रूबेल चल रहा है भाइयों। इधर हमारे खेत में मैस्टी चल रहा है, देखो ये पहले जोतते थे हमने, 2-3 ट्रोली गंडे डाल के, 2-3 ट्रोली गंडे ठा के आप जोत रहे हैं इसको, ये करीबन 3.25 बीघे नंबर है, इसमें ऐसी करेंगे 3-4 झटके में ढाल डाल आल बिना लिकड़े खेत की भैया, अगर जुताई करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे पत्ती गल गई इसकी, लेकिन अभी नहीं करने के हम, जब पूरा खेत नहीं मट जाएगा फाइनल में दो बात देंगे सारे खेत में। ये रूटावेटर का पत्ता तवा खोलना पड़ता है इसमें, क्योंकि पत्ती अड़कती है भाई। दूसरी बात दे रहा मैसेज इसमें, एक बार पहले दे लमेटा अपने डेपचन चल आप दोबारा, ये देखो पुनीत पुनिया चला रहा है, इसे बबलू पर बैठा है, दूसरी बहा ये पहले जीते हुए में आगे इधर उठ रहे, देखो खाद ये पत्ती खत्म हो गई भाइयों। मेरा तो मानना यह है जहाँ मल्चर नहीं है वहाँ रोटावेटर से काम कर सकते हो आप, हमारे गांव में मल्चर हैं तो गवर्नमेंट के दिए हुए, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ पड़े हैं, कहाँ किसके रखे हैं, कौन ढूंढता फिर है, कई बार समय पे नहीं मिलते, ब्लॉक में लाने पड़ते हैं फिर बिछाने पड़ते हैं। हमने तो सुधा फंडा अपनाया है, अपना रोटावेटर हो तो खुद चला लो। अब देखो दूसरी भाव में चल रहा है इसमें ट्रैक्टर, कोई हाय ना तोबा, हर बार पत्ती कटती है, सरकार उनके तो पीछे डंडा कर रही है जो पत्ती चढ़ा रहे हैं, हरजाना दे रही है, लेकिन जो पत्ती जोत रहे हैं उनको प्रोत्साहित ही नहीं कर रही। अगर कुछ इनाम देने लगे उन आदमी को तो वे लोग भी जड़ानी बंद कर देंगे बिल्कुल, गारंटी है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन सरकार का उल्टा नियम है। आज इसे भी 4 बाह दी जाएंगी भाइयों, सांझ को ट्रॉली भर जाएगी, क्योंकि दो पर्ची आ गई एकदम, इतना गंगा स्नान से लोग बाग आएंगे, इतना हम इसमें गेहूँ बोने की तैयारी कर लेंगे, ये निमट जाएगा हमारा खेत भाई। से भाइयों मैसी में खास बात यह है, ये रेस पे झटके नहीं देता बिल्कुल भी, गोड़ आवाज़ हो जाती है इसकी। अब देखो लद्दा हट रहा है इसका पत्ती का,
रिक्शा वाले ऊपर गड़ू मड़ झाड़ जाए करके, ये पत्ती भी काट रहा है, मत्ती पट्टी भी काट रहा है, इसलिए मार गया ट्रैक्टर, ये ज्यादा लग जा भाई। और अस्तिया पत्ती कोई बात नहीं, जितनी बार जुतेगा उतनी बार ये कंट्रोल होती रहेगी। अब देखिए चला ट्रैक्टर, पहले के लो में चला रखा अपनी इतने मस्ती में, कोई आफत नहीं है, कोई किराया नहीं करना कि जो भगदड़ कुछ, आराम से अपना काम करें भाइयों। हम तो थोड़ा थोड़ा ऐसे जोतते रहते हैं ऐसे भी खेतों को, देखो तेल तो फूकते, ये बिना तेल तो काम नहीं होता, लेकिन लाभ भी है भाई। ये कूड़ी मोड़ लेकर डालनी पड़ती थी, प्योर कोबर नहीं मिलता, लोग अड़ावा पत्ती रखते हैं उसमें, इसलिए हमने 2 साल से पत्ती जोतने लगे। कूड़िया खातना भी पड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गिरते चुर रेंट सब वही काफ़ी है बस, एक आध खेत में ना भी पड़ा है तो बढ़िया भाई। हमने 3 साल पहले इसमें पत्ती जोती थी, फिर इसमें पलटवाई थी 4x4 से, जो उससे न्यू होलैंड से तुरंत आया था ट्रैक्टर, फिर भाई उसमें कंप्यूटर मांझे चलवाया, पलटवाई मट्टी, बड़ी मेहनत करी थी, लेकिन गन्ना बहुत टॉप पर ढूंढ ये टॉप के, फिर गन्ना टॉप का हुआ। 3 साल और पेडी रखी, 2 साल पेडी रखी हमने इसमें, मतलब 3 साल रखा गन्ना इसमें, 3 साल बाद आज ख़त्म कर रहे हैं इसको। इसमें अब गेहूँ बोए जाएंगे, गेहूँ के बाद में फिर गन्ना बोया जाएगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाइयों, आप भी इस काम को कर सकते हैं। एक कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मशीनरी है, तो इसलिए मैं कहता हूँ किसान के पास ट्रैक्टर होना ज़रूरी है, चाहे नवा हो या पुराना हो भाई। एक तो हिल्ला मिल जा, आदमी टेंशन फ्री रहता है। बहुत से भाई कहते हैं मैं ट्रैक्टर नहीं रखता, ट्रैक्टर नहीं रखता, अच्छी बात है किराए पर करवाते हैं। एक तो कई बार किराए की चीज़ टाइम पर नहीं मिलती, आपकी जुता आ रही हो खेत में बीज बखेरा का, किराए वाला ट्रैक्टर नहीं मिलता टाइम पर। दूसरी बात यह है आपकी मनचाहा काम नहीं होता। तीसरी बार यह है आदमी सोचता है यार 4 भादुआ होगो 1200 रुपये बैठेंगे बिकेंगे, तो आदमी हिसाब लगाने लगता है। इसलिए खेती जो है जुताई की है, आप खेती में जितनी मेहनत करोगे, ज़मीन की जुताई करोगे, उतनी ही पैदावार बढ़ेगी। बहुत से इंजीनियर ने जो वैज्ञानिकों ने शोध किया था कि आप पट में बो सकते हो, हमने पट ज़मीन में बो के देखा भाइयों, पैदावार घट गई थी हमारी। भाई वो खेत की जितनी जुताई हो जाए उतनी बढ़िया है। भाइयों देखो दूसरी बार ये, इसमें 2 भाव और दिए जाएंगे, अभी ठेकेदार चल रहा है हमारा सुनरू, आधा खेत नहीं मट गया है, डाल डाल हफ्ते भर में खाली हो जाएगा, हफ्ते भर में हम इसमें गेहूँ बो देंगे, आपको दिखाएंगे। भाइयों मैसी 245 ट्रैक्टर, मैं जिसकी ज़्यादा तारीफ भी नहीं कर सकता, ज़्यादा बुराई भी नहीं कर सकता, बस सिलो भी बुरा लगता है, ये हंटिंग करता है, बाकी और कोई कमी नहीं इसमें। 1000 चक्रों के बाद में इसकी आवाज़ गोल हो जाती है, डीजल खर्च भी इसका कम है और के मुकाबले हमने देखा है, 0 मेंटेनेंस ट्रैक्टर है, 50 HP में दिया कंपनी ने। देखो बैटरी तो सभी में पड़ती है, नवी 3 साल में बैटरी खराब हो जाती, 3 में 4 में जैसे भी है, वो तो मजबूरी है भाइयों, सेल्फ स्टार्ट रखना तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब तक कोई दिक्कत नहीं आई इसमें बैटरी से, लग बैटरी 2-3 बार बदल ली हमने इसकी, 8वीं साल चल रही है इसकी, पुनी पुनी चला, देखो स्लिप मारने लगा क्योंकि लाता लग गया था इसका, लेकिन चक्कर RPM नहीं तोड़ता ट्रैक्टर बिल्कुल भी, ये पक्का का है। भाइयों वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करना और भाइयों को भी शेयर कर देना, जो पत्ती चढ़ाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया संदेश है। भाइयों इसमें हमारा लाभ है, इसमें कोई वो बात नहीं है, कुछ डर की वैसी बात इसमें, या इस बात को दिल पे ली जाए कभी भी, ये तो इसका खाद लगता है बहुत, ये तो हम अपने फायदे के लिए जोत रहे हैं, ना कि किससे डर के जोत रहे हैं। तो भाइयों इस वीडियो में इतना काफ़ी है, नमस्कार।